ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं मोडम के ऊपर। मोडम क्या होता है? दरअसल दोस्तों, यह मोडम हर कोई यूज़ करता है। जब भी घरों में इंटरनेट आप यूज़ करते हैं तो आपके कंप्यूटर में डाटा बाहर की दुनिया से आपके कंप्यूटर में आता है। कंप्यूटर हमेशा डिजिटल डाटा समझता है। डिजिटल बोले तो बाइनरी, जीरो और वन। बाइनरी होता है जीरो और वन, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। लेकिन जो बाहर से जो डाटा आता है वो एनालॉग आता है, तो उसे एनालॉग को बाइनरी में कन्वर्ट करता है मॉडम। एग्जाम्पल समझ लीजिए दोस्तों, ये आप हैं, ठीक है दोस्तों, आप हैं, आपका कंप्यूटर है और आपको अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर पर डाटा सेंड करना है, वो भी किसके माध्यम से, ऐसे वैसे नहीं, केबल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया है, ये आप हैं और ये कोई अन्य व्यक्ति है। आपको अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे के कंप्यूटर पे केबल के थ्रू डाटा भेजना है। ये क्या चीज है? ये है केबल, ठीक है, यानी कि कोई वायर। जब आप किसी कंप्यूटर, और कंप्यूटर जो समझता है हमेशा क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि डिजिटल डाटा को जानता है, ठीक है, डिजिटल डाटा को जानता है। आप सभी जानते हैं डिजिटल डाटा यानी कि बाइनरी, बाइनरी बोले तो जीरो और वन। और जो केबल में डाटा होता है दोस्तों, केबल में हमेशा जो डाटा होता है वो होता है कौन सा डाटा, वो होता है एनालॉग डाटा, एनालॉग डाटा, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो वायर में डाटा है वो एनालॉग है, कंप्यूटर समझता है डिजिटल डाटा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो दोस्तों यहां पे काम करता है मॉडम। मॉडम जो होता है इस एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और आपके पीसी पे शो कर देता है। मॉडम यहाँ पे भी एक तरह से यूज हुआ कि आपके जो डिजिटल डाटा है वो डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट कौन करता है, मॉडम। यानी कि यहाँ पे जो हुआ मॉड्यूलेशन हुआ, और यहाँ पे जो प्रक्रिया हुई वो क्या हुई, डिमॉड्यूलेशन। यानी कि यहाँ पे जो डाटा चेंज की जो प्रक्रिया हुई वो कहलाती है आपकी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। और यहां पे जो डाटा चेंज की प्रक्रिया हुई ये आपकी कहलाती है डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है दोस्तों। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, जो आपका इन दोनों से मिलकर जो बनता है वो बनता है मॉडम। यानी कि ये जो मॉडम है ये कहलाएगा आपका मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और प्लस के डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, बात समझे। यानी कि ये मॉड्यूलेशन जो है ये कहलाएगा आपका मॉडम, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का जो जो मिलकर के बनाते हैं मॉडम जो है वो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का क्या है, जोड़ है। कहने का मतलब ये है कि आपने किसी डाटा को तार के थ्रू यानी वायर के थ्रू किसी अन्य कंप्यूटर पर शेयर करना चाहा, तो सबसे पहले मॉड्यूलेशन की क्रिया ही, मॉड्यूलेशन में जो आपका डिजिटल डाटा है या बाइनरी डाटा है, कौन सा डाटा है, बाइनरी डाटा है, जिसे जीरो और कोमा वन के रूप में होता है, जो बाइनरी डाटा है वो एनालॉग डाटा में कन्वर्ट हुआ तो मॉड्यूलेशन हुआ। जब यह एनालॉग डाटा डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हुआ तो यह डिमॉड्यूलेशन हुआ, तो इस मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन से मिलकर बनता है मॉडम। आशा करता हूं दोस्तों मॉड्यूलेशन के ऊपर ये ट्यूटोरियल आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं भी आया होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की आने वाली वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं। और अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैं ये जो तैयारी करा रहा हूं, ये जितने भी टॉपिक बता रहा हूं सभी के सभी ओ लेवल से रिलेटेड के ऊपर बनाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।